सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं अंडे की रेसिपी। तो आप भी देख ही सकते हो, बहुत ही टेस्टी दिख रहा है ये। तो इसे मैंने कैसे बनाया है, चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ उबले हुए अंडे लिए हैं और इस तरीके से इसमें हम कट लगा देंगे, हल्का हल्का सा। चारों तरफ से मैंने लगा लिए हैं सारे अंडे में। अब मैं इसमें आधी चम्मच हल्दी पाउडर डालूंगी, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधी चम्मच नमक। इन सबको हम अच्छे से इस पे अच्छा सा एक कोट कर देंगे, लगा देंगे अंडे पे। और इधर हमने तेल गरम होने के लिए रखा था, तो तेल गरम है, इसमें हम अंडे डाल लेंगे और इसे अच्छे से कलर आने तक फ्राई कर लेंगे इस तरीके से उलट पलट के। तो इस पे अच्छे से कलर आ गया है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी तेल में हम ग्रेवी तैयार करेंगे इसकी। तो सारे अंडे को हम निकाल लेते हैं और यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसाले रखे हैं। तेल गरम है पहले से, तो इसमें डाल लेंगे। और यहाँ पे इलायची मैंने डाला है, तो इसको तोड़ करके डाला है। तो आप जब भी इलायची डालें ना, तो तोड़ करके ही डालें, नहीं तो ये बुरा मान जाता है भाई, इसमें फूट जाता है और जलने के चांसेस भी होते हैं। और इसका कलर चेंज होते ही मैंने यहाँ पे प्याज डाला है और इसका ढक्कन लगा के मैं 2 मिनट तक इसे भून लूँगी। बीच बीच में मैंने चलाया भी है इसे और यहाँ पे इसका कलर चेंज हो गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया है और प्याज भून गया है। तो अब हम यहाँ पे मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर और 2 चम्मच धनिया जीरा पाउडर और 1 चम्मच कसूरी मेथी। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे कि मसाले हमारे अच्छे से भुन जाए। तो यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला है और इसमें हम पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए मसाले को भुनेंगे। तो 1 से 2 मिनट तक मसाले भुनने में लग जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मसाले भुन गए हैं और साइड साइड में ऑयल दिखने लगा है, तो इसका मतलब है हमारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं। तो अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 टमाटर को पीस करके रखा था। अब हम इसमें टमाटर को भी डाल के अच्छे से भुनेंगे। अब यहाँ पे टमाटर डाला है तो स्वाद अनुसार नमक भी डाल लेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसका ढक्कन लगा के 2 मिनट तक भुनेंगे। बीच बीच में इसे मैंने चलाया भी है, तो 2 मिनट बाद हम आपको दिखा रहे हैं। तो मसाले अच्छे से भून गए हैं, देख ही सकते हो इसका कलर अच्छे से चेंज हो गया है। और अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 गिलास पानी डाला है, ग्रेवी को गाढ़ा ही रखेंगे। और यहाँ पे जो तल के रखा हुआ था अंडा वो डाल लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स करके ढक्कन लगा देंगे और 5 मिनट तक इसको पकने देंगे। तो यहाँ पे मैं ढक्कन लगा देती हूँ और 5 मिनट बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे 5 मिनट हो गए हैं, तो अंडे का फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। और लास्ट में यहाँ पे आधी चम्मच गरम मसाला डालेंगे और घर का फ्रेश क्रीम डालेंगे 2 चम्मच। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो एक सब्सक्राइब भी कर देना फ्रेंड्स। और चलते हैं, मिलेंगे अगले रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।